हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज सेक्टर 6 स्थित कम्युनिटी सेंटर में टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं टेनिस व बैडमिंटन खेलकर टेनिस कोर्ट व बैडमिंटन कोर्ट करनाल की जनता को समर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि करनाल के सेक्टर 6 में कम्युनिटी सेंटर में लॉन टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट के शुभारंभ पर जिला प्रशासन, विशेषकर जिला उपायुक्त और निगम पार्षद को शुभकामनाएं देता हूं। ये दोनों कोर्ट खोलने के बाद खेलों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती मिलेगी। उन्होंने कहा कि और भी जहां पर करनाल में इस तरह की जरूरत होगी उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों में मानसिक तनाव दूर होगा, शरीर बलशाली होगा और जो लक्ष्य हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरा करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज का जो चक्का जाम रहा वह बेहद शांतिप्रिय ढंग से रहा, जिसके लिए जिला पुलिस और जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके प्रयासों से किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था भंग नहीं हुई। उन्होंने कहा करनाल में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से पिछले दिनों कहा है कि वह किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, जब भी चाहे किसान बात कर सकते हैं। इसलिए आह्वान किया जाता है कि किसानों को जाकर या फोन कर उनकी बात सुननी चाहिए और इस मामले को हल करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस मामले में किसानों को कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए और संजीदगी से प्रधानमंत्री से बात सुनकर इस मामले का हल निकालना चाहिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में जो भी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं उनको निगम प्रशासन से आदेश कर जल्द पूरा करवाया जाएगा और जहां जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं या और कोई विकास कार्य रुके हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। भारी पुलिस भी उद्घाटन स्थल पर मौजूद रही। स्वयं जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता व निगम पार्षद मेगा भंडारी के साथ साथ भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों के बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर करनाल सांसद संजय भाटिया, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, मेयर रेणु बाला गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, अशोक भंडारी, संकल्प भंडारी, सुनील गोयल आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं 6 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर की। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी उद्घाटन करने के लिए पहुँचेंगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। मुख्यमंत्री का काफिला पहुँच चुका है। यहाँ पर टेनिस कोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोदी करेंगे। खेलों के नाते से दो ऐसे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर मिला है, एक लॉन टेनिस है और एक बैडमिंटन का कोर्ट है। और इससे मुझे लगता है इस मोहल्ले के, इस इलाके के, सेक्टर के जो लोगों की खेलों के प्रति रुचि है, निश्चित रूप से उसका लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी, हमारी मेयर रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, बहुत से हमारे पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद जी, बाकी हमारे इस इलाके के वरिष्ठ सरकार कर्ता उपस्थित हैं, पार्षद इस इलाके के भी हैं। तो इस नाते से खेलों में रुचि बढ़ाने का ये जो अभियान लिया है, मैं समझता हूँ करनाल की जनता को इसका निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। खेल हमारे जीवन में बहुत प्रकार का लाभ करते हैं। मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर व्यक्तिगत कामों में इतना व्यस्त होता है, दिमाग में तनाव चलता रहता है, कई प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक दायित्व तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उस बीच में ये भी थोड़ा अवसर पाकर के इस प्रकार के खेलों में रुचि बढ़ाएंगे तो जो तनाव के विषय वो भी खत्म होते हैं, शारीरिक लाभ होता है, शरीर भी बलशाली बनता है, स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे खेलों के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी आवश्यकता है न केवल इस इलाके की बल्कि करनाल के किसी भी कोने की और बताई जाएंगी, उनको इसी प्रकार से पूरा किया जाएगा। आज के ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुल मिलाकर जो पैदल पथ का निर्माण है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है, इन सब पर मिलाकर के 14.5 लाख 14 लाख 76 हजार रुपए का
जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धक्के ना मारे भाई, क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? आज काफी कुछ सौगात मिली है यहाँ पर, लॉन टेनिस की, बैडमिंटन की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का, हमारे यूएलबी के लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आज इस कम्युनिटी सेंटर के प्रांगण में बैडमिंटन का और लॉन टेनिस का एक जो प्रोजेक्ट ये तैयार किया गया है, इस इलाके के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। उनके दैनिक जीवन में तनाव है, तनाव से दूर करके और एक सामान्य जीवन किस प्रकार से अच्छा बने, कैसे शरीर बलशाली रहे, स्पष्ट रहे, ताजगी रहे, तो ऐसे सारे खेलों के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और मैं करनाल के और भी स्थानों के ऊपर ऐसी जो भी आवश्यकताएं महसूस की जाएंगी उसको पूरा कराएंगे। अपना जो आज का चक्का जाम रहा सफल रहा, किसी तरह की कोई घटना तो नहीं मिली है? देखिए चक्का जाम सफल रहा या मैं ये सब समझ सकता हूँ कि आज बिना किसी विघ्न के लॉर्ड की स्थिति ठीक बनी रही, शांतिपूर्वक सारे काम हुए, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसके लिए मैं चाहे वो प्रदर्शनकारी है अथवा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी को एक प्रकार से आभार प्रकट। किसानों से कोई अपील, विपक्ष से कोई अपील? किसान पर लगातार दो महीने से आंदोलन चल रहा है, टाइम हो चुका है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक संजीदगी से जिस प्रकार की भाषा पिछले दिनों में उन्होंने अपने वाक्य प्रयोग किए कि एक कॉल की दूरी पर यानी मैं उपस्थित हूँ, कभी भी आकर के बात करने के लिए वो आ सकते हैं, तो इस निमंत्रण को स्वीकार करके और किसानों को कोई ना कोई एक व्यवस्था बनाकर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। इस बातचीत के माहौल के बाद ही सारा विषय हल हो सकता है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की इफ्स एंड बट्स ये नहीं लगानी चाहिए। बातचीत के माध्यम से समस्या का हल होगा, बाकी चीजें अपने आप हल गए। सर, नगर निगम का करनाल का कोष खाली हो रहा है, पैसे पिछले दिनों पता चला कि पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे, जो टैक्सीस हैं रुके पड़े हैं, कई वार्डों के काम के विकास के कार्य रुके पड़े हैं पैसों की कमी के कारण, इस तरह की बात सामने। नगर पालिका नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं अथवा हमारे जो पार्षद, मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर, ये मिलकर के प्रयत्न करेंगे और यहाँ की जो कमियां उसको दूर करेंगे और यहाँ के विकास कामों को खूब अच्छे प्रकार से कराएंगे। प्रदेश की ओर से जितनी सहायता होती है पूरी करा दी गई है, आगामी सहायता के लिए जितनी डिमांड। सर, दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक एलनाबाद है, अभय सिंह चौटाला ने वहां से जो है इस्तीफा दिया, और एक कालका की सीट है, कांग्रेस का जो सदस्यता रद्द हुई है, उस पर क्या रहेगा? अभी समय बहुत है, उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी, करनाल की आपने बात की, करनाल में सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जितनी सड़कें बनी है थोड़े दिन के बीच में आपने जांच के दे दिए थे, कोई भी नहीं, वह सारी की सारी टूट गई है। सभी नगर निगम के अंतर्गत जो चीजें आती है उनसे आज मैं ध्यान कराऊंगा उनको, जो जो चीजें करनी पूरी करेंगे और जहां तक नगर निगम के अलावा जो बाकी काम है प्रदेश सरकार की ओर से उसको पूरा कराएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.